मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, किया, और जिन लोगों ने अकलियतों का एमआईएम है जो मान सम्मान की बात करती है, अगर की दलितों की और आजादी के उस इलाके को तरक्की से महरूम रखा गया, वहां की एक लड़ाई जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने शुरू किया, उस लड़ाई को इन लोगों ने कमजोर किया है और धोखा दिया है। इन लोगों ने धोखा किया है, बल्कि सीमांचल की वो गरीब और महरूम जनता जो इंसाफ की तलब के लिए एमआईएम का झंडा उठाया था, इनको वोट देकर जिताया था, उस जनता को धोखा दिया है। वो कौन है? वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, परदेशी मजदूर हैं, सैलाब से परेशान हाल लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, दवा से महरूम लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको धोखा दिया है। मैं समझता हूँ मीर जाफरों के साथ साथ ही मैं समझता हूँ कि राजद जैसी पार्टी जो कभी माई समीकरण की बात करती थी, अकलियतों की विशेषकर मुसलमानों की बड़ी बात करती थी, और आज अकलियतों के दरमियान में पार्टी उठकर आई है, अकलियतों की आबादी से उठकर आई है, अल्पसंख्यक लोग जीत कर आए, अल्पसंख्यक के लोगों ने उस इलाके में अपने समस्याओं के समाधान के लिए उनको वोट दिया है, इनको तोड़ने का काम किया है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इसको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी माई कहते थे, आज वो A to Z कहते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरे बिहार में माइनॉरिटी के लोगों की जितनी आस्था जुड़ी है एमआईएम से, उस आस्था को खत्म नहीं कर सकते थे, बल्कि मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं एक टूटा था तो 5 लेकर आया था, आज 4 टूटे हैं तो 24 लेकर एमआईएम आएगी और ऐसे लोगों को भी धूल चटाने का काम करेगी। इससे हमारी पार्टी में कोई घबराहट नहीं है। जाने वाले चले गए, ले जाने वाले लेके चले गए। मीर जाफर का किरदार जिसने अदा किया, किया, और जिन लोगों ने अकलियतों का, जिन लोगों ने अकलियतों में गुजरात में गर्दनें काटी हैं, जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद तोड़ी है, अकलियत के लोगों ने ऐसे लोगों को माफ नहीं किया है। मैं समझता हूं कि अकलियत के लोग, अकलियत की उठती भी ताकत को जिन लोगों ने तोड़ा है, उसको भी माफ नहीं करेंगे। आपके विधायकों पर नहीं, मेरे कंट्रोल का मामला ये है, ये पुलिसिया मामला नहीं होता है, कंट्रोल है। उनको इतनी आजादी मिलनी चाहिए, सोच समझ के आजादी मिलनी चाहिए। जो भी बंधन यहाँ पर होता है नैतिक बंधन होता है, और नैतिक बंधनों को तोड़ने वाले वो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े पापी होते हैं। आप स्टैंड नहीं ले रहे थे, इस वजह से वो भागे। आप किस चीज का स्टैंड नहीं लिया? हमेशा अकलियतों का स्टैंड ले लिया, दलितों का स्टैंड ले लिया। और मैं समझता हूँ कि पिछले इजलास जितने सेशन हुए हैं, गवाह होगा कि अकलियतों और पिछलों के जितने मुद्दों को और सीमांचल के जितने मुद्दों को एमआईएम ने मजबूती से उठाया है, और तमाम तर विधायकों को जो हिस्सेदार बनाया है, तमाम तर विधायकों को जो बोलने का मौका दिया है, जो परामर्श किया है, दूसरी पार्टियों में गए हैं, हम लोग रहे भी हैं, दूसरी पार्टियों में हैसियत है तलवा चाटने की। एमआईएम है जो मान सम्मान की बात करती है, अगर कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए, जो पार्टी का तलवा चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। एमआईएम ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है, और अख्तरुजमान खड़ा है। मैं दावा करता हूं आपको, अरे मुझे किसकी हिम्मत है, मुझे किसकी हिम्मत है? मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तरुजमान के ईमान का खरीदारी करता है। कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि क्या करना। उधर भी नहीं रहे, आप भी तो उनकी पार्टी का हाउस के बाहर स्टैंड वाला क्या स्टैंड अलग नहीं है? सवाल ये पैदा होता है, आप महागठबंधन के साथ भी नहीं रहते थे, के साथ भी नहीं रहते। जो बात हमने की है सीमांचल के हक और इंसाफ की, हमने बात की है सीमांचल में वो तमाम तर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही है, जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का, अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है, कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया। लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है, और मैं समझता हूं किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की। ऐसा नहीं था, पार्टी बन गया, क्या लगता है बिहार में कुछ होने वाला है? भाई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं उनसे पूछे, लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी, सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन के संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ। आपको महागठबंधन के फोल्डर में रहना चाहिए था, ये महसूस हो रहा जी? महागठबंधन के फोल्डर, मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता, और मैं कोई अपनी जाति फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूँ, बिहार के दबे कुचले अकलियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर आया हूं। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। मंत्रालय की भी ऑफर थे मुझको,
ऐसी चीजों को पांव के ठोकर में रखता है अख्तर ईमान और एमआईएम भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कभी भी इन चीजों को आड़े आने नहीं दिया, हमें से सच्चाई और हक की बात की है और मैं उसका सिपाही हूं। पूरी तमानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन हादसा से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता। किसको दोषी मान रहे हैं? दोषी दोनों हैं, टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे? ये बातें तो बहुत दिनों से अंदेशा करता भी, तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई पकड़ी है जिसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है, अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। इस पे आरजेडी में जाकर उनको क्या फायदा मिलेगा? क्या हाँ बिल्कुल साहब को भी घटनाक्रम से बिल्कुल मैंने यहाँ की खबर दी है और उन्होंने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं, ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी खेल होगा क्या? अब उस खेल की बात उनको कहिए, वो खेल का जो तमाशा देख वो उम्मीद बांधे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है गलत है और महाराष्ट्र के खेल को जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी खुद गलत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों को ऐसा ही मामला है, सीमांचल का विकास क्यों नहीं हुआ? सीमांचल से इसी नेचर के लोग जीत कर आए जो पार्टी का तलवा चाटते रहे और सीमांचल के मुद्दे की लड़ाई नहीं लड़े। एमआईएम ईमानदारी के साथ सीमांचल की लड़ाई लड़ती है और अख्तर ईमान खड़ा है। मैं दावा करता हूं आपको, अरे मुझे कोई किसकी हिम्मत है, मुझे किसकी हिम्मत है? मैं समझता हूं ऐसी कोई राजनीतिक दल ने जन्म नहीं लिया है जो अख्तर ईमान के ईमान का खरीदारी करता है। कहने को कोई लफंगा किसी को अगर इशारा कर दे तो थोड़ी ही है कि ब्याह करना। अख्तर जी आप उधर भी नहीं रहे, आप भी तो उनके साथ खड़े थे। हाउस में, हाउस के बाहर स्टैंड वाला क्या स्टैंड अलग नहीं है? सवाल ये पैदा होता है, आप महागठबंधन के साथ भी नहीं रहते थे? यहाँ के पिछड़ों के लिए जो बात हमने की है, सीमांचल के हक और इंसाफ की हमने बात की है, सीमांचल में वो तमाम दर विधायक जिनकी बस्तियां कट रही है, जहाँ सैलाब का कहर है, जहाँ पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, स्कूल नहीं बना, हॉस्पिटल नहीं बना, रोजगार का मौका नहीं आया, वो स्टैंड कोई साथ दिया क्या? उस स्टैंड में एमआईएम सब लोग साथ थे क्या? दूसरी पार्टियां थी क्या? हाँ, जो कॉमन मामला था, अभी मामला आया अग्निपथ का मामला कॉमन इशू है, कॉमन इशू में हमने भी पार्टी का साथ दिया। लेकिन जहां तक सीमांचल के मुद्दे रहे, सीमांचल के मुद्दे में पार्टी कभी पीछे नहीं रही है और मैं समझता हूं किसी पार्टी ने सीमांचल की इतनी वकालत नहीं की है जितना अल्प अवधि में एमआईएम ने की। ऐसा नहीं था, बड़ी पार्टी बन गई, आप क्या लगता है बिहार में कुछ होने वाला है? अब भाई ये मुंगेरी लाल के सपने हैं। मैं समझता हूं कि विचारों की लड़ाई लड़ने वाले अवसरवाद की राजनीति नहीं लड़नी चाहिए। अब ये उम्मीद पालते हैं उनसे पूछे, लेकिन मैं जनता की लड़ाई लड़ता हूं सड़क से सदन तक। सड़क में हमारी लड़ाई और मजबूत होगी, सदन में भले ही हमारी संख्या घटी है, हम सदन के संख्या घटने से नहीं घबरा रहे हैं। मैं समझता हूं कि बिहार की जनता इस हादसे से और रिएक्शन के साथ। आपको महागठबंधन के फोल्डर में रहना चाहिए था, ये महसूस हो रहा जी? महागठबंधन के फोल्डर? मुझे किसी के फोल्डर की जरूरत नहीं है। मैं मंत्रालय का ख्वाब भी नहीं देखता और मैं कोई अपनी जाति फायदे के लिए राजनीति भी नहीं करता। मैं तो सीमांचल की लड़ाई लड़ने आया हूँ, बिहार के दबे कुचले अकलियतों की, पिछड़ों की, शोषितों की, वंचितों की आवाज बनकर आया हूं। मुझे खुशी और प्रशंसा इसी में है कि मैं उनकी आवाज बन सकूं। मंत्रालय की भी ऑफर थे मुझको, तो ऐसी चीजों को पांव के ठोकर में रखता है अख्तर ईमान और एमआईएम भी रखती है। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कभी भी इन चीजों को आड़े आने नहीं दिया, हमें से सच्चाई और हक की बात की है और मैं उसका सिपाही हूं। पूरी तमानाई के साथ, पूरी मजबूती के साथ इन हादसा से भी, इस तूफान से भी हमारे इरादे और अज्म का जो दरख्त है वो हिल नहीं सकता। किसको दोषी मान रहे हैं? दोषी दोनों हैं, टूटने वाले भी दोषी हैं। अंदेशा नहीं था कि पहले से वो संपर्क में थे? ये बातें तो बहुत दिनों से अंदेशा करता भी, तो आप क्या समझ रहे हैं? भागने वाली कोई पकड़ी है जिसको बांध के रखेंगे आप? इंसान तो विचारों से बंधा हुआ रहता है, अगर जिन लोगों ने विचारों का त्याग कर दिया हो उसको बांध के नहीं रखा जा सकता। इस पे आरजेडी में जाकर उनको क्या फायदा मिलेगा? क्या हाँ बिल्कुल साहब को भी घटनाक्रम से बिल्कुल मैंने यहाँ की खबर दी है और उन्होंने कहा इससे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो जिंदा तहरीकें होती हैं, ये इस किस्म के हालात आते रहते हैं और ऐसा होता है सैलाब में खसो खासा बह जाता है और जो मजबूत पहाड़ होता है खड़ा रहता है। महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी खेल होगा क्या? अब उस खेल की बात उनको कहिए, वो खेल का जो तमाशा देख वो उम्मीद बांधे हुए हैं। महाराष्ट्र में जो हुआ है गलत है और महाराष्ट्र के खेल को जो लोग गलत कह रहे हैं वो भी खुद गलत कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।